हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ फ्रेंड हनी। गाइस, आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई है, सैटरडे है आज। और मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है आज। उनकी शादी को लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो वो लोग एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनको हम लोगों ने वीडियो कॉल करके विश कर दिया, क्योंकि सामने तो है नहीं। और बाकी उन लोगों ने अच्छे से इंजॉय वगैरह किया है। बट मैं चाहती हूँ गाइस, आप लोग उन लोगों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दें कि अच्छे से रहें, खुश रहें, दोनों ऐसे ही रहें, बहुत सारे जन्म साथ रहें। तो और अभी मैं उनके रूम में ही हूँ, दरअसल मेरे भाई के रूम में ही बैठी हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे आई हुई हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे जो सासू मॉम है और मुझे, हम सबको डिनर पर बुलाया है, क्योंकि मम्मी 2-4 दिन में चली जाएंगी। अभी जाने का टाइम हो रहा है उनका, 2-3 दिन में निकल जाएंगी वो। तो मम्मी ने कहा उनके जाने से पहले एक बार डिनर करना तो बनता है, तो फिर इसलिए हम लोग अभी, आज सैटरडे है तो आज हस्बैंड की भी ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, तो हम लोग डिनर पे आए हुए हैं। और गाइस, मुझे दरअसल आप लोगों से बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट एक बात थी जो मेरे को शेयर करनी थी, बट उस समय मेरे हस्बैंड की हो गई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं वो शेयर नहीं कर पाई। वो थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। गाइस, आप लोगों की बदौलत, सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो ये मैंने दिन देखा है, वरना मुझे ये दिन कहाँ से देखने को मिलता। तो गाइस, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों के ही साथ की वजह से हो पाया, पॉसिबल वरना नहीं होता। और तो गाइस, दरअसल बात ये है कि चैनल तो मोनेटाइज हुए लगभग 15 दिन हो गए, 10 या 10-15 दिन हो चुके हैं, बट बीच में वो पूरा टाइम जो चल रहा था, हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इतना माइंड काम नहीं कर रहा था। फिर उनको एक्चुअल में रिपोर्ट में, तो फिर उनको टाइफाइड डेंगू भी निकला, तो 3-4 दिन मैंने वीडियो ही नहीं डाला। फिर उसके बाद फिर मम्मी पापा आ गए, तो मैं थोड़ा वैसे बिजी हो गई, तो मैं ये बात शेयर करना भूल गई। पर आज थोड़ा मेरा मूड अच्छा था करके मैंने कहा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स लोगों से ये बात शेयर करना चाहिए। तो गाइस, ऐसे ही जैसे मेरा साथ आज तक दिया है, आगे भी ऐसे ही देना, और मेरे वीडियोज़ को पसंद करते रहिएगा और देखते रहिएगा ज़रूर। हाँ, तो गाइस, मैं क्या कह रही थी कि आज है 13 जुलाई, और 16 तारीख को मेरी मम्मी शायद 16 या 17 को चली जाएंगी। जैसे ही उनका टिकट हो जाएगा, 16 या 17 का वो कह रही हैं, उसी दिन वो चली जाएंगी। थोड़ा मेरे को घर में अच्छा भी नहीं लगेगा उसके बाद, पर क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है। मम्मी वहाँ पे पापा बहुत खाने पीने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो गाइस, बात कुछ ऐसी थी, और बहुत खुश हूँ आज। और गाइस, कल जो मैंने वीडियो डाला था, वो मैंने अपनी 100वीं वीडियो कल मैंने डाली थी, जो कल अपलोड मैंने की थी, तो वो मेरी, मैं पूरे 100 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे कल। तो वो भी मैं बताना भूल गई, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी जा रही है मेरी, क्योंकि मम्मी रहती है घर पे, तो उतना थोड़ा दिमाग इधर उधर भी लगा रहता है थोड़ा। तो कल बताना भूल गई कि आज मेरी 100वीं वीडियो पड़ रही है, लेकिन पर कोई बात नहीं, चलिए आज बता देते हैं। तो गाइज़, ये मेरे, मैंने इतने वीडियोस डाल दिए हैं, और गाइज आप प्लीज़ सब वीडियोस देखिए और पसंद कीजिए। अगर और अभी कुछ अगर नुक्स वुक्स है या कुछ गलती है मेरे वीडियोस में, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए। जैसे कोई, कई बार मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि प्लीज़ दी आप अपना थोड़ा शॉर्ट रखा करो वीडियो, तो मैंने पहले 20 मिनट के वीडियोस डालती थी, और फिर मैंने कम करते करते लगभग अभी ऐसे कर दिए कि मेरा वीडियो कभी 13 मिनट का होता है, कभी 14 का होता है, पर लोग फिर भी कहते हैं कि दी थोड़ा और शॉर्ट करो। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा और शॉर्ट करूँ, बट बात वही है कि मेरे को अपनी बात अगर कहनी है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो बस वही बात और कुछ नहीं। तो चलिए गाइज, अब डिनर कर लेते हैं, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9, डिनर का टाइम हो गया। आप लोग भी कर लीजिए और मैं भी कर लेती हूँ, और आप लोगों से नीचे मिलती हूँ। अभी तो खैर मैं अपने भाई के रूम में हूँ, और आप लोग उन लोगों को ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा, और मैं आप लोगों को उनसे मिलवा देती हूँ। वो रहे दोनों खड़े हैं वहाँ पे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नीचे आपसे थोड़ी देर में, अब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। ये प्लेट्स लग चुकी हैं, और बेटू से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, वो खाना खाने भी लगे हैं। बेटू, कचौरी आपकी फेवरेट है? मम्मी खाना खाने लगे हैं, डैडी बैठ चुके हैं, हमारी सासू मॉम का वेट हो रहा है। मम्मी आओ। गाइस, बेटू मेरा इतना भूखा था कि उसने मेरा वेट तक नहीं किया कि मैं उसे खिलाऊं, खुद ही खाया जा रहा घपर घपर। डैडी के हाथ भी जल गए बीच में, और मैं सासू माँ को आवाज़ दे रही, वो आ ही नहीं रही। मैंने कहा क्या चक्कर है। गाइस, हमारी मम्मी अभी बाद में खाएंगी अपनी समधन के साथ, उन्होंने भी बोल दिया मैं थोड़ा वेट कर लूँगी। और अभी डैडी और ये सब खा रहे हैं, अभी बेटू डैडी नहीं, वो अकेले नहीं खाएंगी। और मम्मी बना रही है गरम गरम पूड़ियाँ। मम्मी हाय कह रहे हो?
मिनी टाटा कर दो। तो मम्मी अभी खा नहीं रही है, हमारी सासू माँ अभी खा नहीं रही है, वो अपनी समधन जी का वेट कर रही है। समधन जी अभी खाना बना रही है, मिनी सर्व कर रही है, डैडी हस्बैंड ये सब खा रहे हैं। और हमने कहा मम्मी नहीं खा रही तो हम कैसे खा सकते, तो हम भी बैठे हुए हैं। हमने कहा जरा मम्मी से मिलवा देते, मम्मी से फटाफट से राधे राधे कर लो। राधे राधे गाइस, ये मथुरा और आगरा वाले जितने भी होते हैं वो सब राधे राधे करना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप भी राधे राधे करो, क्योंकि जब भी मैं फोन पे बात करती हूँ मम्मी से तो मैं नमस्ते करती हूँ, मम्मी का रिप्लाई में राधे राधे आता है। तो गाइस, और सबसे बड़ी बात, मम्मी के लिए भी यहाँ पे लगा दिए गए कुछ धार्मिक सॉन्ग्स। ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं गाइस, वो धार्मिक सॉन्ग्स ही हैं, बट मैंने उनको म्यूट कर रखा अभी फिलहाल तो, क्योंकि मैं बात कर रही थी इसलिए, क्योंकि हम लोग को कोई भी टाइप के सॉन्ग्स ना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, कि हम सुना सकें, नहीं तो हमको कॉपीराइट आ जाता है। हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, मतलब क्या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए गाइस, थोड़ी देर मिलती हूँ आप लोगों से, जब हम लोग डिनर करेंगे तब बात करूँगी आपसे, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया और हस्बैंड को मैंने पकड़ा दिया फ़ोन, मैंने कहा तुम भाई शूट करो, अब वो चढ़ गए ऊपर, अब वहाँ से खड़े होकर शूट कर रहे हैं मुझे। मैंने बीच बीच में बोला भी कि कहाँ खड़े हो, पर वो सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या बोलना, खा रहे थे फिर हम तो, और मेरी मम्मी ऊपर ही देख रही हैं बार बार, क्योंकि उन्होंने कैमरे पे ऐसे कभी खाया नहीं तो उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। और हम लोग गैस यही सब बातें कर रहे थे कि आज एनिवर्सरी है, अब दोनों अकेले हैं वहाँ पे, अकेले ही अपना सेलिब्रेट करा है उन लोगों ने, मतलब भैया और भाभी। तो आज मेरा नॉडी के भी वीडियो भी डाली थी उन लोगों ने, नॉडी ने डायनासोर वाले कपड़े पहने थे, बड़ा क्यूट लग रहा था। पर गाइस अब मैं उसका क्लिप वो मैंने शेयर करना याद नहीं रहा मुझे, नहीं तो मैं वो क्लिप भी शेयर कर देती। आज वो रेस्टोरेंट गए, इतने स्मार्ट लग रहे थे, बिल्कुल स्मार्टी। और गाइस पता है क्या, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कि मैंने मुँह भर भर के खाया है। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने तो बिल्कुल भी मतलब देखा नहीं कि कैमरा है क्या है, मुँह भर भर के खाया है। और फिर इतने में हस्बैंड बीच में मेरे पास आ गए, एकदम आ गए, मेरे ऊपर ही फोकस कर लिया बिल्कुल। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं शादियों में जब अपन खाना खा रहे होते हैं ना, तो मुझे हंसी भी आई थी इसी वजह से। क्या होता है ना शादी में जब अपन खाना खाते हैं और कोई कैमरा मैन एकदम पास में आ जाए आपके, तो मतलब आपका वहीं के में मुँह रुक जाता है। बट मैंने मुँह रोका नहीं और मेरे हस्बैंड ने कहा खाना कैसा बना है, मैंने कहा बहुत टेस्टी गाइस, मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया था, 3-4 तो सब्जियां बनाई थी उन्होंने, और मेरे फेवरेट छोले बनाए थे। और सासू मॉम के लिए उन्होंने बिना लहसुन प्याज का खाना अलग कर दिया था, क्योंकि मम्मी लहसुन प्याज थोड़ा अवॉइड करती हैं, उनको रहता है थोड़ा लहसुन प्याज से, पता नहीं क्यों, बट उनको शुरू से ही वो, खासकर से पूजा पाठ वाले होते ही हैं उनको लहसुन प्याज नहीं जमता। चलिए गैस हो गया है मेरा डिनर, अब चलते हैं घर। मेरा डिनर विनर हो गया, सबका डिनर हो गया, मेरे घर जाने का हो गया टाइम, मिलूंगी आप लोगों से कल। मेरे डैडी लग रहे हैं पूरे साउथ इंडियन, देखो साउथ में रहते तो पूरे साउथ इंडियन बन गए। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए हनी को और मेरे पूरे परिवार को कर दीजिए सायोनारा। मम्मी बाय बाय करो जल्दी फटाफट, करो बाय करो, मम्मी आप भी करो बाय, डैडी बाय करो। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए हनी को इजाजत दे दीजिए, सायोनारा।